तो जैसे गए अजमेर शरीफ में चादर आना स्टार्ट हो गई है, कहाँ कहाँ से चादर आई हुई है, आज बहुत सारी चादर पेश होगी तो हम पता करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ में अजमेर शरीफ में क्या माहौल चल रहा है अभी उर्स के मौके पर, वो सब बताएंगे आप लोगों। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ी चादर भी आ चुकी है तिरंगे वाली, आप लोग देख सकते हो काफ़ी लंबी चादर है। और ये कहाँ से आती है और ये कितने सालों से पेश हो रही है पूरी जानकारी देंगे और चलते हो। इसके साथ में चैनल पर आना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दरगाह बाजार मार्केट, और इसी के साथ में पहली चादर आ चुकी है। किस जगह से आई है पूरी इंक्वायरी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, चलते हैं और पता करते हैं। तो सो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक और चादर पेश होने जा रही है जो कि बेंड्रा बीके से आती है, और इसी के साथ में अजमेर शरीफ में सबसे बड़ी चादर पेश होगी तिरंगे वाली, वो कि कहाँ से आती है वो पूरी इंक्वायरी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। बाकी चलते हो और दिखाते आप लोगों को अजमेर शरीफ का नज़ारा।
वो दादा बुक कोई नहीं मेरा सही भाई नहीं चाहता। ये बैंड्रा बीकेसी मुंबई। बैंड्रा बीकेसी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमजान अली मनियार है। शुक्रिया। और ये पूरे बैंड्रा ईस्ट की तरफ से पूरे साहब के बारगाह में हर साल आता है। हर साल आती साल हम लोगों को। कितने साल से आ रही है चादर? 7-8 साल से कंटिन्यू आ रही है। ये है ना बेटी चादर। तो सो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो अजमेर शरीफ में ये तिरंगे वाली सबसे बड़ी चादर चढ़ती है। वाकई आप लोग देख सकते हो ये यहाँ से लेकर ठेठ दरगाह के अंदर तक पहुँच चुकी है, इतनी बड़ी चादर है। और ये आती है जबलपुर एमपी से। वाकई आगे चलते हो और आप लोगों को दिखाते हैं। तो सो गाइस आप लोग चादर की लंबाई देख सकते हो, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी अंदर तक पहुँच चुकी है ये चादर, काफ़ी लंबी, ये जो कि जबलपुर से पेश होती है। काफ़ी बड़ी चादर पेश होती है अजमेर शरीफ में, सबसे बड़ी चादर पेश होती है जबलपुर वालों की तरफ से। जबलपुर से जबलपुर आया आया।